हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो। तो विरोध को कुचलने के बजाय विरोध पर चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए सरकार को। और अग्निवीर योजना के आने से जो है देश के नौजवानों का मनोबल भी गिरा है। तो ऐसे में रेजिमेंट बना के अगर आप मौका दोगे तो देश का जो नौजवान है अब वो इतना जो है स्वाभिमानी है कि देश के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वो इसलिए मैंने मांग की है कि इन जातियों को अवसर दिया जाए और जो है ये रेजिमेंट जो है चाहे अही रेजिमेंट हो, चाहे गुजर रेजिमेंट हो और चाहे चमार रेजिमेंट बहाल की जाए। देखिए आप ये समझिए कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे हुई। ये जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है या जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने सरकार से कहा था और मैंने सरकार विपक्ष दोनों से उनकी राय पूछी थी। यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जिस तरह सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी थाम रखी है तो ये लगता है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि जब जनहित के मुद्दों पे जो है सरकार विफल होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहां भी नुकसान पहुंचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया सब चीजें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो। तो विरोध को कुचलने के बजाय विरोध पर चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए सरकार को। सलमान खुर्शीद करेंगी जो हालात वहाँ है वो यहाँ भी हो सकते हैं। अगर सरकार तानाशाही करेंगी तो जनता, देखिए हम करते क्या, हम दूसरे देशों से जब ये आजादी की लड़ाई चली तो बहुत सारे देशों ने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए संघर्ष करना शुरू किया, उसका एक एहसास हमारे यहाँ भी था। तो जब कहीं से बढ़ावा मिलता है तो फिर जनता में आक्रोश पैदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग बहुत शांतिप्रिय संविधान को मानने वाले लोग हैं तो इस तरह की आशंका नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कोई जिस तरह चाइना से हमसे लगातार चाइना हम पे हमला कर रहा है, जिस तरह चाइना हमारी जमीनों को कर रहा है, तो कोई ऐसे विषय जिससे जनता में आक्रोश है, अग्निवीर को लेके, किसानों को परेशानियों को लेके, शेड्यूल ट्राइब की आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों में बड़ी गुस्सा है, तो सरकारों को इनके इनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती थोपना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। देखिए ये आज की मांग नहीं है, 27 नवंबर 1940 से ये मांग उठ रही है और इसलिए उठ रही है क्योंकि राष्ट्र के लिए जब बलिदानों को आप चेक करोगे तो एक बहुत बड़ा बलिदान जो है अदम्य साहस का प्रयोग और हजारों क्रांतिकारियों का बलिदान गुजर समाज की तरफ से दिया गया है। मैं बात करूंगा जब 1857 क्रांति शुरू हुई मेरठ से, तो कोतवाल धन सिंह गुजर जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ वो गदर और उनका बलिदान हुआ। ऐसा ही जो है कालाम जो है ये हमारे यहाँ कालाम जगह पड़ती है बुलंदशहर में, 140 गुजर समाज के वीर क्रांतिकारी सपूतों को फांसी पर लटकाया गया। उसके साथ साथ जो है किसानों के आंदोलन में विजय सिंह पथिक जी ने और तमाम जो है गुजर समाज के जो अग्रणी लोग थे उन्होंने बलिदान दिया। और अभी भी बॉर्डर सेना के तौर पर आप अगर बॉर्डर पर देखोगे तो गुजर बकरवाल जो है वो देश की बढ़ चढ़ कर सेवा करता है, कई बार उनको जान का की भी जो है हानि होती है लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए मैंने मांग की है कि सरकार जो है सेना में गुजर रेजिमेंट जो है बनाए और इस जाति को देश सेवा करने का मौका दे। और मुझे मेरा विश्वास है कि सरकार जो है अगर हिस्ट्री को उठाएगी तो इस जाति को रेजिमेंट बना के देश की सेवा करने का मौका जो है जरूर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पहले अही रेजिमेंट की मांग हुई है लेकिन सरकार सुनती तो है लेकिन इस पे हमले नहीं। देखिए मैंने तो चमार रेजिमेंट बहाल करने की मांग भी की थी, वो भी बहुत जो है मार्शल रेजिमेंट थी। मैंने जो है साथ साथ जो है अही रेजिमेंट की मांग भी उठाई है और मैं ये मांगे इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि जिनका बलिदान है, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है, तो उन लोगों को उन देश की सेवा करने का विशेषकर मौका जो है, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है और अग्निवीर योजना के आने से जो है देश के नौजवानों का मनोबल भी गिरा है। तो ऐसे में रेजिमेंट बना के अगर आप मौका दोगे तो देश का जो नौजवान है अब वो इतना जो है स्वाभिमानी है कि देश के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वो वर्दी के लिए पैसा वैल्यू पैसा कहीं नहीं लगता है, जब बात आती है देश के सम्मान की बात आती है, देश के गौरव बढ़ाने की आती है, देश के लिए वर्दी पहन के देश के लिए लड़ने की बात आती है, उसका अपना ही एक आनंद है। इसलिए मैंने मांग की है कि इन जातियों को अवसर दिया जाए और जो है ये रेजिमेंट जो है चाहे अही रेजिमेंट हो, चाहे गुजर रेजिमेंट हो और चाहे चमार रेजिमेंट बहाल की जाए, ऐसी मैंने मांग जो है पार्लियामेंट